तो मैं इस समय इवान रिजॉर्ट शोगी में हूँ और महेश जी और रत्नेश भाई अब जाने की तैयारी है। ये देखिए मित्रों, ये होता है घूमने का फायदा, अब पहले ऐसी हो चुकी है, कल तक एक तैयार है। ठीक है भैया, है ओके, चलते हैं। तो यहाँ से मुझे अब मिल गए हैं मेरे मित्र, यहाँ आगरा से आए हुए तरुण सरस्वत जी। सारान बुशर पहुंच गया हूं, क्योंकि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऋषिकेश सेंटर में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त संजू। तो जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि कल यानी 14 अप्रैल को मैं शाम करीब 6 बजे सारान बुशर पहुंच गया था और उसके बाद खाना वाना खा के हम सो गए थे। तो आज है 15 अप्रैल 2022, सुबह के समय 6 बजे हुए हैं और मैं अपने होटल की बालकनी में हूँ। तो मित्रों, अभी थोड़ा घूमने जा रहे हैं हम माँ काली के मंदिर तक, भीमा काली मंदिर तक और मॉर्निंग वॉक पर। अभी फ़िलहाल मैं 2 दिन यहाँ पर सारान में रुका हुआ हूँ, उसके बाद में आगे की यात्रा के बारे में जैसे जैसे आगे जाऊंगा वर्णन करता रहूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ समय के बाद। मित्रों, आप देखिए मेरे सामने इस समय मैं सराहन में अपने ये शिवम गेस्ट हाउस में हूँ। सुबह के 6 बजे हुए हैं और बहुत खूबसूरत दृश्य है यहाँ का, चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की चहकने की आवाज़। और मेरे सामने ये देखिए बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ सामने कैलाश की बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, आदि कैलाश की ये पहाड़ियाँ हैं, आदि कैलाश। और ये अपनी शेरनी बुलेट जिससे मैं आया हूँ ऋषिकेश से। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा पैदल चल रहे हैं भीमा काली मंदिर तक, मैं आपको भी दिखाता हूँ फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। ये हमारे यादव सर हैं, दिल्ली से आए हैं और यहाँ पर मैंने जैसे पहले आपको बताया था करीब करीब देश के अलग अलग कोनों से 80 लोग यहाँ ट्रैवल जगत की हस्तियाँ जुड़ रही हैं। जो ये सम्मेलन 2 दिन है यहाँ हमारा, 15 और 16 तारीख का। ये सामने ये है तरुण जी, एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह सुबह, ये कल शिमला से मेरे साथ आए थे और हमारी बाइक पे, और ये सुबह उठ गए हैं, इनके साथ साथ मैं भी उठ गया हूँ। तो आगे चलते हैं, मैं आपको माता भीमा काली मंदिर तक लेके जा रहा हूँ अभी। दोस्तों, शिवम गेस्ट हाउस जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ से मैं माँ भीमा काली टेम्पल जा रहा हूँ। बगल में ही है, 100-125 मीटर की दूरी पर ही है। और ये देखिए, ये मार्केट अभी बंद है सुबह के, क्योंकि 6 बजे हुए हैं। छोटा सा शहर है लेकिन खूबसूरत है, ठंडा लग रहा है इस समय। थोड़ा मोटा कपड़ा वैसे मैंने पहना हुआ है लेकिन इसमें भी ठंड लग रही है। ये सराहन बुशर का मार्केट। तो आगे भी मंदिर की घंटों की आवाज मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही है, तो आगे लेके चलता हूँ। ये सामने माता भीमा काली टेम्पल, भजन कीर्तन हो रहे हैं। जय माँ भीमा काली। मैंने आपको शायद पहले बताया था ये 51 शक्ति पीठ में से एक शक्ति पीठ है माता भीमा काली मंदिर। ये अभी मंदिर का शायद प्रवेश द्वार आगे से है, कहाँ से, यहीं से आइए। तो हम मंदिर के थोड़ी अंदर जा रहे हैं, मिलते हैं। दोस्तों, ये माता भीमा काली टेम्पल का पूरा, ये जिसे कहते हैं पूरा कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे ये लिखा है यात्री विश्राम गृह। तो हमारे 2-3 मित्र यहाँ रुके हुए हैं, तो वो उन्होंने मुझे बताया जिसको अगर सस्ते में रहना है तो 70 रुपये डोमेट्री है यहाँ पर, आप 70 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन रह सकते हैं अगर सस्ते में रहना है आपको तो। ये माता भीमा काली मंदिर का प्रांगण, ये देखिए, ये शिव मंदिर है। जय भोलेनाथ। अब हम श्री भीमा काली मंदिर सराहन
के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। तो ये माता जी का मंदिर का प्रवेश द्वार देखिए आप। जय माता जी, जय माता, जय माता। ये देखिए आप माता भीमाकाली मंदिर, 51 शक्तिपीठ में से एक, कितना सुंदर स्थान है। सामने देखिए आप कैलाश की पहाड़ियां, सामने बर्फ है। ये माता के मंदिर का प्रांगण, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। देखिए मित्रों माता का मंदिर, यहीं से दर्शन कीजिए, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए मैं कैमरा अंदर नहीं ले जा सकता। माँ भीमा काली आपको आशीर्वाद हर समय देते रहे, उनका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे, और मैं भी दर्शन करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ दोस्तों। मित्रों मैं अभी माँ के दर्शन करके आ गया हूँ, पीछे देखो मेरे मंदिर है, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। और ये जो मंदिर है, माता की मूर्ति है, जो फोर्थ फ्लोर पे है, यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये जो मंदिर है ऊपर 1, 2, 3, 4 फोर्थ फ्लोर पे है, चौथे फ्लोर से बहुत अच्छा व्यू दिखता है सामने। सामने ये पर्वत है, बर्फ़ जमी हुई है बिल्कुल, ये श्रीखंड कैलाश की पर्वतमालाएँ, बिल्कुल बर्फ़ दिख रही है। ये पिंकल भाई भी आ गए हमारे ये। और यहाँ पर भी कुछ प्राचीन मंदिर हैं, यहाँ कैमरा अलाउ है इन्होंने बोला है। तो ये पुरानी शैली में बने हुए मंदिर, खूबसूरत मंदिर, श्री लंकड़ावीर जी, ये अलग अलग मंदिर है। देखिए आप देखो कितने बड़े बड़े ये कढ़ाए हैं, ये प्राचीन, ये पूरा जो ये संग्रहालय भी है यहाँ, म्यूजियम। ये देखिए पूरा प्रांगण जो है ये माता भीमाकाली मंदिर के अंतर्गत आता है। ये देखिए आप दोस्तों, माता के दर्शन कर लिए हैं, अब मैं माता के प्रांगण से अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। नहाऊंगा धोऊंगा, फ्रेश होऊंगा, फिर जो भी एक्टिविटीज़ होगी जहाँ भी हम जाएंगे घूमने के लिए, मैं फिर आपसे वहाँ पे रूबरू होऊंगा। प्रणाम मित्रों, मैं इस समय होटल स्नो व्यू के सामने हूँ, जो मैंने आपको बताया था, देश के अलग अलग कोने से हमारे 80 लोग आ रहे हैं और ये सब पहुँच चुके हैं। ये नितिन काजला जी हैं मेरठ से, ये सब लोग हमारे यार दोस्त। दरअसल एक बस थोड़ी लेट हो गई थी, वो करीब 2:30 बजे आई है, तो इस समय हम यहाँ पर एक चिड़िया की, एक वर्ल्ड पिजेंट्री है यहाँ, जहाँ मतलब अलग अलग प्रजाति की 5-7 तरह की चिड़िया हैं यहाँ पर। तो 1.5 किलोमीटर यहाँ सराहन से है, तो वहीं जाते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ है वो। तो दोस्तों मिलता हूँ आते हैं। करीब करीब 1.25 किलोमीटर चलने के बाद हम उस स्थान पर आ गए हैं जहाँ ये पक्षियों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। इतना डीप में तो मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ का लोकल अभी हमारे साथ 3-4 हैं, त्रिलोक भाई वगैरह, इनसे पूछता हूँ। ये देखिए सामने आप सराहन फिजेंट्री, ये देखिए कितना खूबसूरत जंगलों से, ये देवदार के पेड़ हैं, देखिए आप ये देवदार के वृक्ष हैं, और इसके अंदर अब हम एंटर कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए वेलकम्स यू, ये सब देखिए, जब हमने एंट्री कर ली है इसके अंदर। यहाँ एंट्री फीस लगेगी, यहाँ एंट्री टिकट है, ये देखिए आप,
कितने रुपए टिकट है? 20 रुपीज पर है टिकट है यहाँ पर। 20 रुपए आपके 20 मोटरसाइकिल के। अब हमारे साथ हमारे ग्रुप के मेंबर भी हैं ये, और यहाँ लोकल गाइड है, इनको बहुत नॉलेज है। इनका नाम है त्रिलोक राज, ये वैसे कोटद्वार से हैं। अब ये इस स्थान के बारे में बताएंगे आपको। त्रिलोक जी बताइए। एजेंटी यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे एक वेस्टर्न ट्रग पॉइंट, पहले हमारे हिमाचल का जो राज्य पक्षी था, अच्छा, वो पहले था हमारा मुनाल था, मुनाल, अब हिमाचल का जुजराना हो गया, जुजराना हिंदी में नाम है उसका, अच्छा, तो वैसे बर्ड वाचिंग में कहा जाता है वेस्टर्न ट्रग पॉइंट कहा जाता है। वेरी गुड। और ये फेजेंट्री इसलिए भी मशहूर है क्योंकि जो आपका ये साउथ अफ्रीका और यहाँ पे दोनों जगह में सफल ब्रीडिंग हुई है। अच्छा 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 एक वेस्टर्न ट्रैकोपैन की, अच्छा, एक फाइव बर्ड होता है ब्रीडिंग का है ये सेंटर। जो बर्ड की जो एक स्पीशीज होती है फेजेंट, जी जी, मुर्गे की उसने मुर्गी प्रजाति है। अच्छा अच्छा, तो ये साउथ अफ्रीका और यहाँ पे सफल ब्रीडिंग हुई है और विलुप्त तो पड़ जाती है। वेरी गुड। ये मतलब ये अभी रेड क्रॉस में आता है जी, जो हमारे बर्ड वाचिंग लोग जानते होंगे रेड क्रॉस में आता है। 748 प्रकार के यहाँ बर्ड्स हैं, कुछ फ्लाई कैचर्स हो गए, कुछ रियर बर्ड्स हो गए यहाँ पे जी। और 748, अच्छा इतनी है। हाँ, दिखेंगी वो हमें? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं दिखेंगे आपको, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको दिखेगी एल्टीट्यूड के हिसाब से। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। कितना है लंबा, कितना लंबा, कितना? देखिए 7000 फीट में हम यहाँ पे, 12050 फीट में ऊपर इसका टॉप। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है जंगल कैंप ही है त्रिलोक भाई ने। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, डूज एंड डोंट्स कुछ लिखा है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या करना है, ये रूल रेगुलेशंस हैं यहाँ पर। और आगे तक बहुत चढ़ाई पे बुलाया भी त्रिलोक जी ने, बहुत ऊपर तक, बताइए 7000 से 12000 फीट, कमाल है। देखते हैं जब तक हिम्मत है, जब तक चलते हैं। ये देखिए त्रिलोक जी और कुछ जानकारी दे रहे हैं। भ्रम कमल भी होता है यहाँ? तो उत्तराखंड में होता ना ज्यादा हाइट से। यहाँ भी है एक्चुअली। भ्रम कमल 15000 फीट की हाइट से कहीं भी ऊपर हो सकता है ये। अच्छा, तो आपका श्रीखंड और इस वैली में भ्रम कमल मिलता है। अच्छा, और मैं बता रहा था स्प्रिंग टाइम के बारे में। हाँ जी, यहाँ डेजर्ट माना जाता है ये। अच्छा, बर्फ में ढका होता है ना। हाँ, तो अभी ये फूल कम खिले हैं। कौन से, ये वाले सफेद, ये व्हाइट वाले? इसी रास्ते में मई में आपको ये देखिए सर, वैरायटी मिलेगी हिमालयन फ्लावर, इनकी बात कर रहे हैं ये, डिफरेंट वैरायटी, ये फूल जो कह रहे हैं ये, और ये सितंबर तक रहेंगे। सितंबर तक, अच्छा, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी त्रिलोक जी ने। ये देखिए मित्रों, हम कितनी हाइट पे आ गए हैं, सिटी देखो हमसे कितना नीचे आ गया है, खूबसूरत दृश्य है। वेरी गुड। आपका इंट्रोडक्शन हो गया था ना, आप एक बार और दे दो ये भाई साहब का एक बार, ये स्पेशल आदमी है, 1600 किलोमीटर बाइक पेल के आई है। देखो आप बताइए। मैं मुकेश राठौर, हाँ जी, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावस से आया हूँ और 1571 किलोमीटर बाइक चला के सराहन बुसर में आया हूँ। वेरी गुड, 9 बजे। वाह, आपकी हिम्मत की दास सलाम आपको। तो हमारे जितने दोस्त हैं, आप, मैं आपको आई कार्ड दिखाऊं, जितने घुमक्कड़ हैं हमारे 80 लोग जुटे हैं, इन सबको देखो एक कार्ड मिला, आई कार्ड, ये देखो इनका नाम और शहर का नाम इस पे है। तो ऐसे सभी लोगों को एक बैज बनाए गए हैं, बिल्ले बनाए गए हैं। ये देखिए सभी दोस्तों को बैज, सब एंजॉय जैसे ये हैं, देखिए सबके, किसी को नहीं मिला तो वो बैग में लगा के नहीं आए। ये देखिए आप, ये अनिल वर्मा जी हैं, मंडी धनौरा। तो दोस्तों त्रिलोक भाई कह रहे हैं हम उस स्थान पे पहुंच गए हैं जहाँ कुछ देखा जाता। तो त्रिलोक भाई क्या है यहाँ पर? एक्चुअली यहाँ पे वेस्टर्न ट्रैको पैन है जो बता चुका हूँ। हाँ बता, अच्छा वही चीज है यहाँ। और यहाँ कालीज फजल मिलेगा आपको, मुनाल मिलेगा जो उत्तराखंड का अभी राष्ट्रीय पक्षी है। अच्छा, वो स्थान आ गया। हाँ, तो हम नीचे से कितने ऊपर आ गए होंगे अभी? नीचे से तकरीबन हम जैसे अगर देख ग्रेड में देखा जाए तो 60 के ग्रेड में हम चल रहे हैं। हाँ, 60 के एंगल में हम चल रहे हैं और कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर आ गए हम। और 1 से 1.5 वहाँ से आए तो 3 किलोमीटर मान लो चौराहे से। जी जी, ठीक है। तो दोस्तों त्रिलोक जी ने अभी समझाया तो हम ये आ गए हैं। देखो जाल आ गया है। अब ये सरन फिजेंट्री, एक मिनट, मेल है, एक मिनट, और ये फीमेल है, ये वेस्टर्न ट्रैकोपैन जुजुराना, मेल है, फीमेल है। और ये सर्दियों में ऐसा दिखता है, देखो सर्दियों में कैसा दिखता है, ये देखिए सर्दियों में ऐसा दिखता है यहाँ पे। जी जी,
और ये अंडे देखिए, ये अंडे ऐसे हैं इसके। हाँ। अच्छा, और ये इसका खाना पीना है, खाना okay. खाना okay. चने वने ये खाना है, चना वगैरह। हाँ। मूंग दाल, ये मूंग दाल भी देख रहे हैं आप, तिरलोक जी समझा रहे हैं ये बच्चे हैं। ये क्या क्या है, आप इनकी फोटो लेके देख सकते हैं। सरहान फिजेंट्री भाई, वीडियो इस पॉज करके आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हो। ये देखिए, चलो पक्षियों को दिखाता हूँ मैं, तिरलोक भाई लिए हैं। ये बैठा है वेस्टर्न ट्रेगोपान, वो सामने देखिए, ये सामने बैठे वेस्टर्न ट्रेगोपान, ये जालों में है, ये जुजू राना, ये देखिए आप, ये देखो दो हैं, ये एक यहाँ एक यहाँ है, ऐसे जुजू राना, ये जुजू राना है, ये देखिए जुजू राना है ये सर, ये देखिए जुजू राना, ये देखिए सामने अंदर है ये, ये देखिए ये सब इनको यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। देखो बेटा इधर, ये कालीज पेजेंट है, कालीज मेल है और ये फीमेल पेजेंट, ये एक्चुअली मुर्गे की प्रजाति है, मुर्गे की प्रजाति, और यहाँ बहुत आदमी पाई जाती है। ये क्या होते हैं कि 12,000 फीट के ऊपर से पाई जाती है, 12,000 फीट के ऊपर पाई जाती है। त्रिलोक जी कह रहे हैं ये काला मुर्गा, ये काला मुर्गा है, काला मुर्गा बोलते हैं हिंदी में, कालीज फिजेंट मलिन मुनाल, ये देखिए मुनाल जुजू राना, स्थानीय नाम जुजू राना। वो देखो बैठा है ऊपर, वो है ऊपर मुनाल, मुनाल मोनाल बैठा है ऊपर, देखिए आप पिंजरे में, आप तेज बोल नहीं सकते एक्चुअल में हम, तो ये ऐसे ऐसे ये पक्षी हैं, ये अलग अलग तरीके से त्रिलोक भाई ने समझाने की कोशिश करी, और ये सारे लोग ये अपना, ये देखिए मित्रों ये व्यू पॉइंट है वर्ल्ड फिजेंट्री में, यहाँ से व्यू देखिए आप, ये देखिए सारा तैर का व्यू, ये देखिए दोस्तों कितना शानदार व्यू है यहाँ से यार दोस्त, ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत प्यारा दृश्य है ये दोस्तों, ये बर्ड फिजेंट्री में ये स्काई वॉक बनाया हुआ है, और यहाँ से देखिए आपको दिखाता हूँ, ये पूरा सारहान शहर, माँ भीमा काली मंदिर और पूरा शहर, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मित्रों मैंने ये बर्ड फिजेंट्री ये पूरा कर लिया है, करीब तो पूरा कर ही नहीं सकते, बहुत ऊपर अभी जाना है वो कह रहे थे, लेकिन जितना हो सकता है वो मैंने देखा और आपको दिखाने की कोशिश करी है। अब पता नहीं मैंने ढंग से समझाया या नहीं समझाया है, लेकिन त्रिलोक भाई ने जो गाइड थे यहाँ और जो हमारे ग्रुप के मेंबर थे, उन्होंने पूरा समझाने की कोशिश करी, इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी आपको, उम्मीद है कि आपको उनकी बात समझ में आई होगी, मेरा तो पता नहीं क्योंकि मुझे तो नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन है बहुत खूबसूरत जगह। तो मित्रों आज का ब्लॉग मैं आप बताता हूँ, मैंने सबसे शुरू में सुबह आपको माँ भीमा काली टेम्पल दिखाया, थोड़ा बहुत सरहान सिटी दिखाया, उसके बाद हमारे कुछ यार दोस्त आए हैं 80 अलग अलग शहरों से इंडिया के, और उसके बाद अब मैं ये त्रिलोक भाई और 80 लोगों के साथ ये वर्ल्ड फिजेंट्री आया हूँ, बर्ड जो दुर्लभ प्रजातियों की बर्ड है उसके साथ में आया हूँ। तो करीब करीब 5:30 बज गए हैं, 6 बजे का टाइम है इसके बंद होने का, थोड़ा नीचे भी जाके थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा करीब, क्योंकि 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई थी, खैर उतराई में तो थोड़ा कम समय लगेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो कल के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ माँ भीमा काली की पावन भूमि से, माँ भीमा काली का आशीर्वाद आप सभी दोस्तों को मिलता रहे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रणाम मित्रों।